उससे परिचित कराया जाता है आई वॉन्ट टू लुक एट द लार्जर पिक्चर ओनली देन विल बी अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है एक्ट क्या होता है तो so, मेरा पहला सवाल वेर आर यू तो यू नो अ चाइल्ड इज बॉर्न वो बड़ा होता है जाता है फिर शादी होती है बच्चे होते हैं घर बनाता है और फिर वहीं जाता है जहां से आया था टू डेथ द क्वेश्चन इज वाई वॉट इज ऑल ऑफ दिस इज दिस बी डन द क्वेश्चन इज वेर आर वी

पता नहीं क्या कर रहे हैं वॉट इज इट दैट वी डिड वेन वी ऑन अराइवेट अर्थ इज वॉट बट बिफोर आई डू दैट आई वॉन्ट टू नो वट इज एजुकेशन दैट गोइंग टू गेट यू नो द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड इन द नाइनटीन सेंचुरी ये जो सिलसिला है कि रोज स्कूल जाना है डेस्क पे बैठना है पता नहीं कौन सी बोरिं, बोरिंग बोरिंग क्लासेस सुननी है टीचर्स आएंगे आधे आधे घंटे के लेक्चर लेंगे ये 1900 शताब्दी से पहले नहीं था इनफैक्ट गो बैक टू ट इंडियन हिस्ट्री गुरुकुल हुआ करते थे जहां पर शिष्य जाते थे और ये नहीं है कि उनको क्लास वन क्लास टू एज वाइज डिवाइड किया जाता था टैलेंट वाइज होता था जिसमें जो हुनर है उसके हिसाब से गुरु उनको शिक्षा दिया करते थे सिमिलरली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड होम ट्यूशनिंग दैट वॉज और कुदरत का करिश्मा देखिए वापस घूम के हम वहीं पहुंच गए और आज आप घर बैठ के हमारा लेक्चर मोबाइल पर देख रहे हैं दिस इज काइंड ऑफ होम ट्यूशनिंग बट इट हैज टेकन ऑलमोस्ट टू हंड्रेड ईयर टू रीच हेर नाई डट द स्कूलिंग स्टार्ट फॉर्मलाइज सिस्टम स्कूलिंग स्टार्टेड वेन द वेस्टर्न वर्ल्ड रिलाइज की मशीनें आ रही हैं इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हो रहा है और जब मशीनें आ रही थी लोग चाहिए थे जो मशीनों को चला सकते हैं तो इन्होंने एक सोच निकाली कि भाई बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करते हैं उनको किताबें पढ़ाते हैं उनको इस सारी धरती के बारे में बताते हैं मशीनों के बारे में बताते हैं ट्रेनिंग करते हैं कि डेस्क पर बैठ रहे हैं पूरा पूरा दिन ताकि ये बाद में जाके फैक्ट्रीज और ऑफिसज में काम करें आपकी ट्रेनिंग तब से शुरू हुई है होते हैं सीधा बस्ता डालते हैं स्कूल भेज दिया जाता है तुम्हें स्कूल में तुम्हें बहुत कुछ सिखाया जाता है तुम्हें सिखाया जाता है, है केमिस्ट्री है आपको भेजा जाता है हिस्ट्री सीखने इंसान की सिविलाइजेशन की हिस्ट्री सिविक्स सिखाया जाता है Now, I call them man's law. So, I'm going to divide education into two parts God's law and man's law, and let's understand what each of these are. Now, look what must have happened when man came on earth. He must have observed whatever he saw. He saw fire. He understood how to make fire. He saw winds blowing. He saw birds chirping. He saw water. He jumped into the water. He saw sea life under it. स्टार्टेड राइटिंग ऑल ऑफ दिस डाउन इन बुक्स नोट करना शुरू करा उसको कैटेगराइज करना शुरू करा किताबें भरनी शुरू करी विद ऑल दंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट एवर ई सीन इट हजेंटन ओवर नाइट इट टेक हंड्रेड ऑफ ऐस इन हंड्रेड ऑफ ईयर्स में वॉट आर वी डूंगी आर कलेक्टिवली सॉल्विंग गॉड्स मिस्ट्रीज फिर हमारे ही बीच में से कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग पैदा हो जाते हैं जिनको शायद गॉड्स की मिस्ट्री समझने के लिए ज्यादा क्षमता होती है ये भाई साहब थे पेड़ के नीचे बैठे थे सेब गिरा कहते ग्रेविटी है कुछ आप और मैं तो खा लेते ये भाई साहब थे पतंग उड़ा रहे थे इनको इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार मिल गया नाम आप लोगों को पता आई एम श्योर ये भाई साहब थे फोन इन्वेंट करा इन्होंने कहते तार के थ्रू बात होगी आवाज भेज सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग थे एक ने जीरो बनाया और फिर ये सारे लोगों ने मिलकर गॉड की मिस्ट्रीज ओवर सेंचुरी सॉल्व करी एंड वी कॉल सिविलाइजेशन किताबों में लिखा गया और ये किताबें आपको स्कूल में पढ़ाई जाती हैं एस फिजिक्स गॉड्स लॉज न्यूटन्स लॉ है ना आपको है, earth, liquids, फिर आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है द स्टडी ऑफ गैसेज ऑन अर्थ केमिकल्स लिक्विड्स फिर आपको पढ़ाया जाता है बायोलॉजी द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ कर क्या रहे हम हम समझ रहे हैं कि ये धरती पे भगवान ने जो छोड़ा हमें वो क्या वॉट इज इट मेड अप ऑफ एंड लिसन ऑल दीज लॉज कैन कीप चेंजिंग लॉज ऑफ फिजिक्स दैट यू एन मी रेड इन स्कूल वो बदल गए आज एक क्वांटम फिजिक्स आ रहा है जिसकी वजह से पूरे फिजिक्स के लॉज बदले जा रहे हैं तो आप समझे वॉट यू बीन टॉट इज एवर मैन काइंड किताबें बदलती रहेंगी चेंज होती रहेंगी एज वी मेक मोर डिस्कवरीज बिकॉज नो हाउ गॉड मेड दिस वर्ल्ड या स्पेस अभी पहले the जमाने में इंसान हंट करने गया होगा शेर ने खालिया होगा उसको फिर उसको रिलाइज हुआ कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा वो लोगों के साथ मिल के गया उनमें से एक लीडर चुन लिया अपने आप को उसने बताया बाकियों को कैसे शेयर को मारना है और मिलकर उन्होंने शेयर को मारा एंड सडनली ये जो बंदा था जिसने लीड करा ये लीडर बन गया इसने प्रोटेक्शन देनी शुरू करी सबको ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स के लीडर्स बनने शुरू हुए और इनकी आपस में लड़ाइयां शुरू होगी लीडर्स ने बोला कि हम अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करेंगे हमें कुछ टैक्स चाहिए और उनको बड़ा अहदा दे दिया गया दे बिकेम रूलर्स दे बिकेम किंग्स दे बिकेम क्वींस एंड दीज किंगेम ऑटोक्रेटिक उनका मन करता था मार दो उनका मन करता था इसको आज फांसी पर चढ़ा दो लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू करा लोग क्या है उन्होंने किंगडम्स को हटाया नाउ दे स्टार्टेड कमिंग ऑफ डेमोक्रेसी यानी आज भी धरती पर बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है सिविलाइजेशन अलग अलग ग्रुप ने आज कंट्रीज बना दी है बहुत बड़ी बड़ी अमेरिका में डेमोक्रेसी है इंडिया में डेमोक्रेसी है चाइना में एक नया सिस्टम है ना डेमोक्रेसी है ना डिक्टेटरशिप है ना राजा है ना महाराजा है उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया हुआ है यूके में देर इज अ किंग एंड अ क्वीन बट देर इज ऑल्सो डेमोक्रेसी सो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फॉर्म डिफरेंट वेज ऑफ गवर्नेंस टू लिव दिस लाइफ विद सर्टन रूल्स हमारे देश में ऑफकोर्स वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ कॉन्स्टिट्यूशन वी नो इज अ सुप्रीम बुक सुप्रीम बुक गवर्नस वॉट हैपन इन दिस कंट्री जैसे राजा महाराजा के समय में राजा बोलता था यह लॉ बन जाता था राजा ने बोला आज टैक्स बीस रुपया हो गया बीस रुपया हो गया कल बोलता है सौ हो गया तो सौ हो गया दर्ड ऑफ द किंग वॉज लॉ बट इन आर कंट्री द बुक इज लॉ राइट टू एजुकेशन है क्योंकि किताब में लिखी है फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्योंकि किताब में लिखा है फंडामेंटल राइट बचपन में पढ़ाया था आपको सिविक्स में तो जब आप सिविक्स पढ़ रहे थे आप क्या पढ़ रहे थे एक्चुअली आप कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स पढ़ रहे थे प्राइम मिनिस्टर कैसे होंगे इलेक्ट होंगे या अपॉइंट होंगे सारी बातें बताई लोकसभा क्या होगा राज्यसभा क्या होगा द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगा ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं नाउ of इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी नो आर इलेक्टिव मेंबर्स इन द लोकसभा नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा एंड देन इज एन ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट इनमें से जो मेन होते हैं वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनाते हैं तो पीपल हु हैव अ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट लोकसभा में वो रोज दफ्तर जाते हैं और गवर्नमेंट बनती है सो द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर आर डिफरेंट द गवर्नमेंट इज पीपल हु ऑन बिहाफ ऑफ लेजिस्लेचर एंड आई से लेजिस्लेचर वी टॉक द लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेडेंट गवर्नमेंट के लोग ऑन बिहाफ ऑफ लेजिस्लेचर इस देश को चलाते हैं इनको चलाने में मदद की जाती है ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स द आई एस ऑफिसर्स दई पी एस ऑफिसर्स देन वी ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशरी भाई अगर कल को कोई झगड़े हो गए जुडिशरी इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से Judiciary के पास जाएंगे आप इंटरप्रिटेशन कराने के लिए ये सारी चीजें क्यों हैं क्योंकि ऐसा उस मेन किताब में लिखा है दी कॉन्स्टिट्यूशन सो इन इंडिया द सुप्रीम पावर इज द कॉन्स्टिट्यूशन और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज नहीं लिखी है लेजिस्लेचर भी उसको एनेक्ट नहीं कर सकता सो so धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि जीएसटी लॉ लाने के लिए हमें अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए था पहले तो समझे जीएसटी एक एक्ट है ये एक्ट कैसे बनता है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों लाना पड़ा बातें करेंगे एज वी मूव ऑन देन बेटा लेजिस्लेचर क्या करती है एक्ट बनाती है बुक्स बनाती है नाउ यू नो आई सिंपली आज स्टूडेंट्स भाई आपके घर पे जो रूल्स हैं कौन बनाता है आप रात को आठ बजे आएंगे या कई लोग होते हैं पूरी रात बाहर रह सकते हैं ऐसा अलाउड है कई लोगों को तो घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है तो ये सारी बातें कौन डिसाइड करता है? मम्मी पापा तो मम्मी एंड पापा मेक द रूल्स और मैं नहीं बोल रहा मम्मी बनाते हैं या पापा बनाते हैं दोनों मिलकर बनाते हैं पर अगर फैमिली बहुत बड़ी हो जाए द फैमिली वेरी बिग लेट अस सपोज देयर देड पीपल इन योर फैमिली कोई बात नहीं हो सकता है ओवर ईयर बहुत सारे लोग पैदा हो गए अब वो जो रूल बुक है अगर मम्मी पापा ने रूल बोल दिया भाई आठ बजे के बाद घर नहीं आना है क्या बोला आठ बजे के बाद घर नहीं आना है अब नटखट बालक तुम नए नए जवान हुए थे पार्टी थी तो वहां पहुंच गए सेवन फिफ्टी हो गए शाम के तुम्हें लगा कि अभी पार्टी तो एंजॉय है थोड़ा क्राउड भी मस्त है तो तुमने सोचा आज पार्टी में रुक जाते हैं पर तुम्हें ध्यान आ रहा है कि यार रूल है आठ बजे के बाद नहीं आता तो और सडनली बल्ब जगा तुम्हारे दिमाग में तुमने क्या सोचा ये तो लिखा ही नहीं आठ रात के ही आठ सुबह के तुम सुबह सुबह आठ बजने से पहले पूरी रात बाहर रहे सुबह आठ बजने से पहले पहुंच गए और वहां पर पापा खड़े होते डंडा लेके पापा ने डांट लगाई तुमने कहा पापा मैंने तो रूल तोड़ा ही नहीं पापा कहते कैसे तुमने बोला पापा आपने बोला था आठ बजे के बाद नहीं आना देखो सेवन फिफ्टी नाइन हो रहे मैं पहले आ गया दैट मीन जो रूल है अगर वो क्लियर नहीं है तो उसका इंटरप्रिटेशन हम कुछ भी निकाल सकते हैं और ऐसा ही इनकम टैक्स के साथ भी होता है तो समझे ये रूल बुक्स आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपके पास जीएसटी एक्ट है क्यों है इतनी अलग अलग किताब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है इस देश में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के रूल्स क्या हैं जीएसटी एक्ट बताता है जीएसटी कौन पे करेगा कितना पे करेगा इनकम टैक्स एक्ट बताता है इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा कंपनीज एक्ट बताती है कंपनी कैसे बनेगी उसके शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स के क्या पावर्स हैं वो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे पार्टनरशिप एक्ट बताती है पार्टनरशिप के रूल्स हैं यानी इतनी सारी एक्ट हर एक्ट का एक स्पेसिफिक पर्पस है एक स्पेसिफिक रीजन के लिए लिखी गई है और धीरे धीरे आपको पता चलेगा एक एक्ट का रूल दूसरी एक्ट में नहीं लगता और ये एक्ट क्यों बन रही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर को पावर दिया है टू एनेक्ट वेरियस रूल्स ऑन द पब्लिक ऑफ इंडिया टू गवर्न दम पर इसका प्रोसीजर क्या है अब जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट देश चला रही है उनको पता चलता है कुछ गड़बड़ हो रही है देश में जैसे उनको लगा सर्विस टैक्स है उनको लगा बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी लॉज हैं बहुत छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस हैं जिनको मर्ज करके एक टैक्स बनाना चाहिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट सबसे पहले प्रपोज करती है लॉ इन समथिंग कॉल्ड अ बिल यानी एक किताब बनाई जाएगी एक कमेटी बैठेगी रिसर्च करेगी भाई दुनिया भर में लॉज कैसे लगते हैं उसकी एक पूरी रूल बुक बनाई जाएगी पूरी रिटर्न बुक होगी और इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा फिर ये लोकसभा पास करेगी उसके बाद राज्यसभा में डिबेट होएगा फिर उसके बाद जब ये प्रेसिडेंट साहब साइन कर देंगे अब इस किताब को क्या बोला जाएगा एक्ट एंड दैट एक्ट इज नाउ

उस एक्ट ने इस इंस्टीट्यूट को पावर दिया कि देश में जो बच्चे दुनिया में भलाई का काम करना चाह रहे हैं लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा है जीएसटी एक्ट में क्या लिखा है कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है यानी बिजनेस एनवायरमेंट की जो किताबें हैं उनको पढ़ के उनके एक्सपर्ट बन के लोगों को एडवाइस देना चाह रहे हैं उनको इकट्ठा करो उनको पढ़ाओ उनका इम्तिहान लो पता करो उनको सारी किताबें अच्छी तरह समझ में आ गई अगर आ गई एक डिग्री दे दो इस डिग्री के साथ अब इनको बोलो जाए मार्केट में और जो इनके पास आता है यह पूछने के लिए कि सर मेरा इनकम टैक्स कैसे पे होगा उसको एडवाइस दें अपने पैसे भी बनाए और देश का भी काम करें उसी तरीके से एक डिग्री बनी फॉर लॉयर्स यानी एक बना लॉ बोर्ड उनके क्लैट के पेपर होते हैं एल सैट के पेपर होते हैं एंट्रेंस एग्जाम होते हैं यह भी किताबें पढ़ते हैं ये अलग प्रकार की किताबें पढ़ते हैं दे रीड समथिंग कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सर्विस लॉज बहुत सारी और किताबें हैं और कल को कोई मर्डर करता तो वो सीए के पास नहीं आएगा किसके पास जाएगा लॉयर के पास तो ऐसे करके दे हैव डिवाइडेड दिस कंट्री इनटू डिफरेंट एंड टुमारो बेटा व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू यू एंड द क्लाइंट आस्क यू सर एम आई रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स तुम अपने दिमाग में इनकम टैक्स एक्ट लोड करोगे और जवाब दोगे अपने हिसाब से नहीं दोगे उसी तरीके से वो पूछता सर एम आई रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अब अपने दिमाग में आप जीएसटी एक्ट लोड करोगे इनकम टैक्स को बाहर करोगे क्योंकि रूल सेम नहीं है और उसको एडवाइस करोगे सिमिलरली ही कैन से कैन आई फॉर्म अ कंपनी यू विल लोड द कंपनीज एक्ट कैन आई फॉर्म अ फर्म फर्म यू विल लोड द पार्टनरशिप एक्ट यानी आपका जो रोल है वो किताबें पढ़ना है और मेरा कार्य आपको दो किताबें मेन पढ़ाने का है विच इज इनकम टैक्स एंड जीएसटी पर एक मेरा सबसे पहला लेसन टू यू बिफोर वी इवन स्टार्ट लर्निंग इज बेटा उस किताब में क्या लिखा है आपने अभी तक नहीं पढ़ा आपने अभी तक जो भी पढ़ा वो कंपनीज एक्ट की किताब पढ़ी है इनकम टैक्स की किताब में आपको पढ़ाना शुरू करूंगा लेकिन आप मेरे पास एक ब्लैंक स्लेट के साथ आएंगे और मैं आपसे सवाल पूछता हूं इज अ माइनर लायबल टू पे इनकम टैक्स आप मेरे को जवाब नहीं देंगे आप बोलेंगे पता नहीं क्या वर्ड है बेटा पता नहीं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कोई भी चीज समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि मुझे तो आता नहीं है अगर हमारे अंदर ईगो आ जाए भी मुझे तो आता ही है मैं बताता हूं सर माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता तो फिर इनकम टैक्स कैसे पे करेगा गलत जवाब माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है माइनर इनकम टैक्स देगा या नहीं देगा यह कौन सी किताब में लिखा होगा इनकम टैक्स एक्ट में वो अभी हमने पढ़ी नहीं आपने तो कभी भी नहीं पढ़ी मैंने तो पढ़ी हुई है डोंट वरी समझ रहे मेरी बात सिमिलरली क्या माइनर इनकम टैक्स रिटर्न साइन कर पाएगा आंसर क्या है पता नहीं जो कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट निकलता है क्या उसी पे इनकम टैक्स दिया जाता है क्या जवाब है पता नहीं एक भाई साहब है उनके पास खेत है जो उन्होंने किराए पे दिए हुए हैं अगला जो बंदे ने किराए पे लिया वो खेती कर रहा है उन खेतों पे यानी लैंडलॉर्ड है जमीने है उसने खेती के लिए दी हुई है और उसको महीने का रेंट आता है या ठेका आता है क्या ये ठेका एग्रीकल्चरल इनकम है पता नहीं कैसे पता करेंगे इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के तो अस नाउ स्टार्ट विद आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एन एक्ट हाउ डू आई रीड एन एक्ट एंड व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ इनकम टैक्स